गाइस, अगर आपके पीछे मधुमक्खियों का पूरा झुंड पड़ जाए तो क्या करना चाहिए। ये एक ऐसा जीव है जिससे शेर जैसा खूंखार जानवर और हाथी जैसा विशाल जानवर भी डरता है। अगर मधुमक्खियों ज़्यादा ऊंचाई से उड़ रही हैं तो इसका मतलब वो अपने रहने के लिए कोई जगह ढूंढ रही है। अगर ये नीचे उड़ रही हो तो समझ जाइए उनको एक खतरे का महसूस हो रहा है। तो ऐसे में आप वहाँ मौजूद हो और मधुमक्खी आपको ना देखे तो आप वहाँ पर तुरंत उल्टा लेट जाएँ और बिल्कुल भी ना हिले, क्योंकि हिलते हुए चीज़ों से मधुमक्खियों को खतरा महसूस होता है। और अगर मधुमक्खियों ने आपको देख लिया है तो आपके पास मौजूद जो भी चीज़ें हैं उसको अपोजिट डायरेक्शन में फेंकें, ताकि आधी से ज़्यादा मधुमक्खियाँ उसके पीछे चली जाएं। और आपके पास कीचड़ दिखाई दे रहा हो तो उसमें पूरा शरीर कीचड़ में लगा दें, ऐसे मधुमक्खियाँ नहीं काटती हैं। और ऐसे में कोशिश करें कि अंधेरी जगह में जाने की, क्योंकि मधुमक्खियाँ अंधेरी जगह में नहीं जाती। अगर फिर भी कुछ नहीं होता तो फिर आप सीधे डायरेक्शन में भागें, क्योंकि ऐसा पाया गया है कि मधुमक्खियाँ अपने छत्ते को छोड़कर ज़्यादा दूर तक नहीं जाती हैं।